हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से पीडीएफ के अनवांटेड पेजेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास में एक पीडीएफ है सी साफ नोट्स के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये कुछ नोट्स हैं और इसमें अगर पेज की बात करें तो पेज 79 है। इस पीडीएफ में 79 पेज हैं। 79 पेज में से अगर आपके पास में मान लीजिए ऐसी ही पीडीएफ है और उसमें कुछ ऐसे पेज हैं जो आपको नहीं चाहिए और आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, बाकी जो आपके काम के पेज हैं उनको रखना चाहते हैं एज ए पीडीएफ, तो आप कैसे कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और मात्र 1 मिनट का मेथड है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 1 मिनट आपको देनी है और आपके जो पीडीएफ में अनवांटेड पेज है वो सब डिलीट हो जाएंगे। बाकी जितने पेज आपको चाहिए केवल उनकी पीडीएफ आपको क्रिएट होकर के मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। देखिए, ये जो पीडीएफ मेरे पास में 79 पेजेस हैं और इसमें बीच में कुछ ऐसे पेज हैं जो ब्लैंक है या फिर आपके लायक नहीं है। कोई भी पेज हो सकता है, मान लीजिए उस पेज पर कंटेंट अवेलेबल है और आप उसको नहीं चाहते तो आप उसको भी सिलेक्ट करके उसमें से डिलीट कर सकते हैं। अभी मेरे पास में देखिए ब्लैंक पेज है, ये ब्लैंक पेज है। नीचे आएंगे एक पेज फिर ब्लैंक है और आप नीचे जाएंगे तो इसमें बहुत से पेज ब्लैंक हैं। उन सभी पेज को हम डिलीट कर पाएंगे इजिली। या फिर आपके पास में ऐसे पेज हो जिन पर कॉन्टेंट अवेलेबल हो और आपके नहीं चाहिए आपको, तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। करना क्या है वो देखिए, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हैं। अभी मैंने देखिए पीसी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल में आपको कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है आई लव पीडीएफ। ये वेबसाइट है, आपको ये लिख करके सर्च करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जो पहला लिंक है। इतना करने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव पेजेस के नाम से। देखिए रिमूव पेजेस का ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ऑल पीडीएफ टूल्स और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव पेज। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल का बटन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपनी उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से आपको अनवांटेड पेज डिलीट करने हैं। तो देखिए मेरे पास में ये रही फाइल सी साफ नोट्स के नाम से, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इस फाइल में जितने भी पेज होंगे उन सभी का प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए मैंने कहा कि 79 पेज मेरी इस पीडीएफ में, देखिए 79 पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये रहे 79 पेज हैं। अब इसमें से आपको जो पेज नहीं चाहिए उनका नंबर आपको यहाँ पे डालना है कॉमे के साथ में। जैसे मान लीजिए 79 पेज हैं और यहाँ पे देखिए पेज टू रिमूव, आपको कौन कौन सा पेज रिमूव करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए एक पेज सबसे लास्ट में है ये वाला, तो मुझे 79 को भी डिलीट करना है। 79 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये तो डिलीट हो गया। देखिए इस पे इस तरह का आइकन आ जाएगा। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको जो भी पेज डिलीट करना है उसी का नंबर डाल देना है। जैसे मान लीजिए मेरे इस पीडीएफ में कुछ पेज ये ब्लैंक है, ये देखिए 17 और 18, 17 और 18 दोनों एक साथ है, तो आप अगर इस तरह के पेज हैं जो एक साथ हैं उनको भी डिलीट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, 17 से लेकर 18 तक बीच में डैश लगा देंगे, उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। तो देखिए ये पेज सिलेक्ट हो गए। मान लीजिए आपके पास में कुछ मान लीजिए 21 से लेकर 40 तक पेज डिलीट करने, तो आप यहाँ से 21, 22, 23 ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 21-40। ओके, आगे देखिए मेरे पास में 11 और 12 पेज फिर आ गया, तो मैं यहाँ पे 11 से 12, ठीक है, या फिर 11-12 कॉमे के साथ लिख सकते हैं। 11-12 भी डिलीट कर लेंगे और उसके बाद 4 और 5 भी डिलीट करेंगे। 4 और 5 या तो 4-5 डैश लिख दीजिए और या फिर 4 अलग 5 अलग कॉमे के साथ में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सभी सिलेक्ट हो गए हैं और इतना करने के बाद जब आप सभी पेजेस को सिलेक्ट कर ले जो आप डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको रिमूव पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी पीडीएफ से सभी पेज जो आपने सिलेक्ट किए हैं उनको रिमूव करके बाकी जो पेज बचेंगे उनकी एक पीडीएफ क्रिएट की जाएगी और वो पीडीएफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो जाएगी। ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती है तो आप यहाँ डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हो गया ओपन होकर के, आप देखेंगे अब मेरी फाइल में केवल 72 पेज रह गए हैं, मतलब 7 पेज मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इजिली किसी भी पीडीएफ के पेजेस को इजिली रिमूव कर सकते हैं। जो पेज आपको नहीं चाहिए किसी पीडीएफ में उनको रिमूव करने का ये सबसे आसान तरीका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।